हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो पहली वीडियो आएगी सीयू सेट की वो 2019 की आएगी। तो जो ये वीडियो है वो सीयू सेट 2019 का सोलूशन है। टॉप 25 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 26 to 50, और ये पार्ट वन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनिशियल के जो 25 प्रॉब्लम होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं, तो आप मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, आप इसे खुद कर लीजिएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है 25 प्रॉब्लम वो 26 से 50 है, ये पार्ट वन है। तीन पार्ट पे मैं करके ये सोल्यूशन दे दूंगा हर ईयर का। मैं ट्राई करूंगा 2019 के बाद एक ईयर का और सोल्यूशन देने को, जैसा कि मैंने पोल क्रिएट किया हुआ है। आप मुझे बता दीजिए कि किस ईयर का सोल्यूशन आपको चाहिए, मैं ट्राई करूंगा कि 19 के पहले वो भी सोल्यूशन दे दूं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज 100 dB। द आउटपुट वोल्टेज फॉर ए डिफरेंशियल इनपुट ऑफ 200 माइक्रोवोल्ट इज 2 वोल्ट द कॉमन मोड गेन। देखिये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका ऑपएम्प से क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे देखिए CMRR क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो डीबी में दिया हुआ है। तो इसका दो फार्मूला होता है, एक होता है CMRR इक्वल टू डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन, और दूसरा होता है जो कि इसमें यूज करना पड़ेगा, याद रखे रहेगा, CMRR विल बी इक्वल टू 20 log बेस, यहाँ पे 10 होता है, हमेशा याद रखे रहिएगा, ठीक है। ये होता है आपका AO by AD by AC, ठीक है। AD क्या होता है आपका डिफरेंशियल गेन होता है, और AC क्या होता है आपका कॉमन मोड गेन होता है। तो डिफरेंशियल गेन कैसे निकालेंगे आप, ये होता है आपका V आउटपुट by V इनपुट। कितना आउटपुट मिल रहा है आपको, कितने इनपुट पे, तो आउटपुट कितना आपका 2 वोल्ट है, यहाँ रख लीजिए, और ये कितना 200 माइक्रो वोल्ट, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ वोल्ट, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना बचेगा आपका 10⁴। तो ठीक है, जो आपका डिफरेंशियल गेन आ गया वो कितना आ गया आपका 10⁴, और आपको एसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और CMRR आपका कितना दिया हुआ है, आपका 100 dB दिया हुआ है। इस इक्वेशन 1 में आप क्या करिए, पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका 100 विल बी इक्वल टू 20 log बेस 10 है, याद रखे रहिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 10⁴ बाई कॉमन मोड गेन एसी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 5 विल बी इक्वल टू log बेस 10 इंटू 10⁴ अपॉन एसी। दोनों तरफ एंटी लॉक ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10⁵ विल बी इक्वल टू 10⁴ अपॉन कॉमन मोड गेन। दिस इंप्लाइज दैट एसी विल बी इक्वल टू 10⁴ अपॉन 10⁵ मीन्स 1/10 मीन्स 0.1 dB। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0.1 dB जो ऑप्शन बी में है आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन बी को आप राइट टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लैम्डा देन द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। ठीक है, बामर सीरीज और लाइमन सीरीज का पहले आप समझ लीजिए, बामर और दूसरा है आपका लाइमन, यही है। तो स्टार जो होता है वो आपको पता है कि लाइमन से होता है, लाइमन बामर पास्टन बैक एंड फ्रूम। लाइमन के लिए जो NI की वैल्यू होती है 1 और NF की वैल्यू होती है 2, 3, 4, जो भी डालना चाहें आप डाल दीजिए, और इसके लिए होगी NI की वैल्यू 2 और NF स्टार्ट होता है आपको 3, 4, 5, 6 डॉट। तो आपको पता है पहले हम किसके लिए निकाल लें, लाइमन के लिए निकाल लें, तो वो हो जाएगा 1/λL, L फॉर लाइमन विल बी इक्वल टू 1 − 1/4, ठीक है। ये कितना आ जाए आपका 3/4, 1 मान लीजिए, या इसको एक काम करिए, लैम्डा एल विल बी इक्वल टू 4/3, ओके। बामर के लिए कर लीजिए, तो 1 × λB विल बी इक्वल टू, बामर के लिए एन आई 2 हो जाएगा, तो 1/4 − 1/9, दिस विल बी इक्वल टू 5/36। सो दिस इम्प्लाई डेट λB विल बी इक्वल टू 36/5, इसको 2 कर लीजिए और इसको 1 कर लीजिए, तो ये इम्प्लाइज करेगा λL/λB विल बी इक्वल टू 4/3 अपॉन 36/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/27। तो λL विल बी इक्वल टू 5/27 λB या 5/27 λ। तो ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है वहां पे वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइट वेव इज गिवन बाय E इक्वल टू E0 I sin ωt − kz
प्लस जे साइन ओमेगा टी माइनस के जेड माइनस पाई बाई फोर द पोलराइजेशन स्टेट ऑफ द वेव इज। देखिए यहाँ पे पाई बाई फोर का फेज डिफरेंस है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, ये जो लाइट होगी वो क्या होगी, सर्कुलर होगी। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बचता है लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, तो आपको क्या करना है, एक बार टी इक्वल टू जीरो पुट करना है, एक बार जेड इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो वहां से आप देखेंगे कि ये जो लाइट है वो क्या है, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर है। तो ऑप्शन ए को आप क्या कर लो, टिक कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट गिवन वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए कैल्साइट क्रिस्टल। कैल्साइट क्रिस्टल क्या होता है, नेगेटिव क्रिस्टल होता है, हमेशा याद रखे रहिएगा। And with its optic axis cut parallel to the surface of thickness something, the state of polarization of the emergent beam। देखिए जब भी कोई लेफ्ट हैंड सर्कुलरली लाइट जो होती है किसी भी नेगेटिव क्रिस्टल पे गिरती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, राइट हैंडेड लाइट में चेंज हो जाती है। और हमेशा याद रखिए रहेगा कि राइट हैंडेड सर्कुलर लाइट में चेंज होती है, तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे आपका वो क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर लीजिए, सिंपली टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक क्वार्ट्ज प्लेट इज हाफ वे प्लेट फॉर द लाइट हुज वेवलेंथ इज लैम्डा, नेग्लेक्टिंग द वेरिएशन इन द इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन विद वेवलेंथ, हाउ वुड दिस बिहेव विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ टू लैम्डा। तो आपको पता है कि जो हाफ वे प्लेट होता है, हाफ वे प्लेट, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, आपको थिकनेस टी विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई टू म्यू नॉट माइनस म्यू ई। ठीक है, अब लैम्डा डैश किसके इक्वल है, 2 लैम्डा के इक्वल है, तो इसमें आप क्या कर दीजिए, इसमें ही 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, T will be equal to 2 लैम्डा by 4 mu naught minus mu। तो किसके तरीके से बिहेव करेगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 टाइम लैम्डा by 4, ये जिसमें से बड़ा होता है उससे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी ग्रेटर देन होगा। याद रखिए रहिए, ये किसकी तरह से बिहेव करेगा, ये क्वार्टर वेव प्लेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ऑर्डर्स विल बी विजिबल इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम एंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग बी 26202 इंच। देखिए यहां पे क्या है कि दो क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने स्किप किया है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो ऑप्शन था वो मैच नहीं कर रहा था, तो उसको मैं एक बार और ट्राई करूंगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है कि वेवलेंथ दिया हुआ 5000 एंगस्ट्रॉम, दैट मींस लैम्डा विल बी इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए अभी कभी, क्यों कर लीजिए इसको, हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आपसे क्यों मैंने किया अभी। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, याद रखे रहिए, 1 इंच में, 1 इंच जो होता है इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं ये याद रखे रहिएगा, ये होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 इंच में कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये याद रखे रहिए। इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए ग्रेटिंग कॉन्स्टेंट का, तो ये होता है, याद रखे रहिएगा पहले, ए प्लस बी साइन थीटा विल बी एन लैम्डा। लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस केस में हो जाएगा ए प्लस बी विल बी इक्वल टू एन मैक्स इंटू लैम्डा, या एन मैक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमें निकालना है वो होगा ए प्लस बी बाई लैम्डा। और याद रखे रहिए कि ए प्लस बी जो है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेटिंग कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको ग्रेटिंग कांस्टेंट बोला जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2.54 अपॉन कितना दिया आपका, 2620 दिया, तो 2620 ये वैल्यू उठा के यहां रखिए, तो एन मैक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखते रहिए आप, ये हो जाएगा आपका 2.54 अपॉन 2620, और लैम्डा की वैल्यू सेंटीमीटर में यहां पे चेंज इसलिए मैंने किया था, ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁵। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 19 आएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 19, इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ एससीपी स्ट्रक्चर, तो एससीपी केस में जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सेकंड नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हुज कन्वेंशनल यूनिट सेल पैरामीटर ए इज। तो देखिए एफसीसी के लिए जो सेकंड नियरेस्ट नाइबर होता है वो भी क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए, 3 to 6 आर द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन, द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन ऑन द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर। अब देखिए 3 to 6 दिया है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/2, 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये कॉमन एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2a 3b और ये सी, तो 2a 3b c ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपके यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें।
नेक्स्ट देखिए 37। ए लैटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रिमिटिव वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i + j कैप, बी इज इक्वल टू 2j + k कैप, सी इज इक्वल टू 2k + i कैप। द रेसिप्रोकल लैटिस करेस्पोंडिंग टू दिस इज। देखिए ये जो दिया हुआ है प्रिमिटिव वो किसका है, याद रखिएगा ये FCC का आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां से अगर आपको रेसिप्रोकल आप देखेंगे तो FCC का जो रेसिप्रोकल होता है, FCC का रेसिप्रोकल ये वाइस वर्सा भी होता है, ये भी याद रखिएगा, ये क्या होता है BCC होता है, ठीक है। तो यहां से आप अगर रेसिप्रोकल लैटिस में निकालोगे तो ए डैश की जो वैल्यू होगी कंपेयर करिए क्या होता है आपका a/2i + j। तो यहां से जो a की वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसको कंपेयर कर दीजिए तो ये क्या होता है आपका 2π/a होता है, ये हो जाएगा आपका 2π/1 डेट में 2π। तो क्या हो जाएगा आपका BCC विथ q/2π। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए, इफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट एक्स रे एंड डिफ्रेक्टेड वन इज 60 डिग्री, द ग्लांसिंग एंगल विल बी। इसको मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, जैसे ग्रुप में डिस्कस हुआ है, इसमें ग्लांसिंग एंगल को देखिए क्या हो जाएगा, थीटा जी प्लस इसका हाफ कर लीजिए 8 डिग्री प्लस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 180। फिगर बना के आप देख लीजिएगा ऐसा ही लगेगा। तो थीटा जी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180 माइनस 98 डेट मीन 82 डिग्री। तो ग्लांसिंग एंगल कितनी आएगी आपकी यहाँ पे 82 डिग्री आएगी, जिसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टी स्क्वायर के होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो 10 MeV है, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू आती है वो याद रखे रहिएगा, वो अराउंड 8 MeV के आती है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अभी ये भी पूछा है तो ये भी पूछ सकता है किसके लिए मैक्सिमम होता है, तो याद रखे रहिएगा वो आयरन के लिए मैक्सिमम होता है अराउंड 8.8 MeV, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका कर्व भी आपको पता है कुछ इस तरीके से आता है, ओके। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे आयरन जो होता है उसके लिए सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है और विद एटॉमिक नंबर, ओके। नेक्स्ट देखिए, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स वॉल्यूम बाय अ रिवर्सिबल प्रोसेस, लेट W1 बी द एनर्जी ट्रांजेक्टेड बाय वर्क इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, लेट WP द एनर्जी ट्रांसकेटेड बाय वर्क इफ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। देन दोनों केस में आप वर्क डन निकाल लीजिएगा, आपको पता है कि वर्क डन का फार्मूला जो होता है एडियाबेटिक में और आइसोथर्मल में क्या होता है। तो इसमें आइसोथर्मल में जो होता है वो क्या होता है, nRT ln V2/V1, और एडियाबेटिक में जो होता है वो होता है 1/(1 - γ) RT2 - RT1, ठीक है। यहां से निकाल लीजिएगा V2, इसको चेंज कर लीजिएगा, आपको पता है कि आइसोथर्मल में जो गैस होती है वो PV = RT को फॉलो करती है, और यहाँ पे जो एडियाबेटिक में गैस होती है वो पॉइजन इक्वेशन PV = γ = K को फॉलो करती है। तो उसके हिसाब से चेंज करके देख लीजिएगा, तो आप देखोगे कि W1 > W2 आएगा, तो इसको टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए, फॉर β+dK द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो β+dK में जो होता है आपका मास जो होता है वो ग्रेटर होता है ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पे वो क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल वाइब्रेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 cm, y की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 5 cm, राइट, विद अ टाइम पीरियड 6 सेकंड, t की वैल्यू दी है आपका 6 सेकंड। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मूव फ्रॉम 1 into part द पोजिशन ऑफ 2.5 cm फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, t की वैल्यू पूछा है, राइट। और यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है ये भी देख लीजिए, a की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी है 5, y की वैल्यू जो है आपकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये a की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू आपकी 2.5 है। तो आपको यहाँ पे लगा दीजिए y = क्या होता है आपका a sin ωt होता है। तो y की वैल्यू रखिए आप 2.5, a की वैल्यू 5, ओमेगा को लिख सकते हो आप यहीं से a sin 2π/t (T). ये हो जाएगा 2π/6 (T) जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इधर भेज देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 sin π/3, ओके। दोनों इसको साइन इनवर्स ले लीजिए, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आपकी π/6 विल बी इक्वल टू π/t/3। यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी करके देखिएगा वो आएगी 0.5 सेकेंड। तो ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप सिंपली टिक कर लीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द वेव विल नॉट चेंज इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया, हमेशा बताया जाता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी लाइट की चेंज नहीं होती, आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो।
नेक्स्ट देखिए विच वन द फॉलोइंग इज अ वैलिड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, एक एक ऑप्शन से मैच कराना होगा। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आप वहां पे ऑन द स्पॉट करोगे। देखिए होना क्या है यहाँ पे कि अगर हम इसको ऐड करेंगे किसी एक दूसरे क्वांटिटी को, तो एक क्वांटिटी दोनों में से चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें या वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, एक को माइनस आना होगा। और माइनस तभी आ सकता है जब दो के बीच में माइनस हो, तो यहां से ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। अगर आप इसको करोगे भी, अगर टू टाइम्स आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, केवल ए आएगा और ये बी आएगा, तो ए माइनस बी देगा जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इसको करके देखिए ये कितना दे देगा टू, ये भी कितना दे देगा टू, तो टू माइनस टू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा द एनर्जी आइगन वैल्यू विल बी। तो एनर्जी आइगन वैल्यू जो होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो कितनी होती है, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा होती है। ठीक है, एन कहां से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट। एन इक्वल टू जीरो के लिए आपको ग्राउंड स्टेट मिलता है, एन इक्वल टू वन के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और एन इक्वल टू टू के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए कितनी वैल्यू पुट करेंगे, एन इक्वल टू टू। E2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 2 प्लस 1 बाई टू एच कट ओमेगा, डेट मीन 5 बाई टू एच कट ओमेगा। तो 5 यहाँ पे देखिए एच ओमेगा दिया हुआ है, एक्चुअली ये एच कट ओमेगा होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आर। अब देखिए यहाँ पे आप लैम्डा लगा के करोगे तो उस तरीके से चीजें बात नहीं बनेंगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू वन, तो हम सब किसी को भी ऐड कर दें तो यहाँ पे सारे के सारे वन आ जा रहे हैं, तो हमें दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। हम डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा आपका, टू कॉस थीटा आएगा। एक काम करो आप, टू कॉस थीटा इसको क्या कर दो, ऐसे लिख ले ई टू पावर आई थीटा प्लस ई टू माइनस आई थीटा बाई टू। तो टू से टू क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आइगन वैल्यू आएगी आपकी ई प्लस माइनस आई थीटा। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लो। नेक्स्ट देखिए द सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपन जेड माइनस वन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री। यहाँ पे देखिए आप इसको जीरो कर दीजिए तो पोल जो आएगा वो कितना आएगा, जेड इक्वल टू वन टू थ्री, यही आएगा। आप एक एक करके निकाल लो, जैसे लिमिट जेड टेंडिंग टू वन जेड माइनस वन एफ जेड, और एफ जेड की वैल्यू कितनी है, जेड स्क्वायर जेड माइनस वन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और जेड की वैल्यू वन पुट कर दिए तो कितना आएगा आपका, माइनस वन बाई टू आएगा। सिमिलरली इसके लिए अगर आप करोगे टू के लिए तो कितना आएगा, मैं बता दे रहा हूं, आप करके देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस फोर आएगा और थ्री के लिए कितना आएगा, नाइन बाई टू आएगा। तो आपको पता है कि सोल्यूशन क्या होगा, सबको क्या कर दो आप, ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा वन बाई टू माइनस नाइन प्लस नाइन बाई टू। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा वन माइनस एट प्लस नाइन बाई टू, डेट मीन वन। तो यहाँ पे वन जो है आपका वो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट देखिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हुज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू द क्वांटम वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा बाई पी या लैम्डा बाई एम इंटू बी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। क्वांटम वेवलेंथ कितनी हो जाएगी आपको पता है वो कितनी होती है, लैम्डा अपॉन एम नॉट सी, ये हो जाएगा इक्वेशन टू। वन और टू को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन एम नॉट सी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट। अब यहां से क्या हो जाएगा, इंप्लाइज करेगा एम बी इक्वल टू एम नॉट सी, एम को लिख लीजिए आप एम अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू एम नॉट सी। अब ये क्या हो जाएगा, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब इसको स्क्वायर कर दिए तो बी स्क्वायर विल इक्वल टू सी स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दैट मीन्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल इक्वल टू बी स्क्वायर, या टू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सी स्क्वायर के, या बी कितना हो जाएगा आपका सी बाई रूट टू। तो ऑप्शन जो बी है आपका सी बाई रूट टू वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। और आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, यूजिंग कोसी रेजिड्यू थ्योरम द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल जेड डी जेड अपॉन जेड इनटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर अराउंड द काउंटर जेड इक्वल टू टू। तो यहां से अगर हम पोल की बात करें तो अगर जेड तो जेड की वैल्यू क्या क्या आएगी, जेड की वैल्यू आएगी जीरो वन एंड वन, और ये मार्ट जेड की वैल्यू कितना दिया है टू दिया, तो ये सारा का सारा क्या करेगा लाई करेगा आपको पता है। तो एक का मैं निकाल देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा जेड माइनस जीरो एक्सपोनेंशियल जेड अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट कर देगा, जेड की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे आप तो ये वन दे देगा, तो ये कितना आपका आ जाएगा वन आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ टू है पोल जो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका लिमिट जेड टेंडिंग टू वन वन अपॉन टू माइनस वन फैक्टोरियल डी बाई डी जेड ऑफ जेड माइनस वन एक्सपोनेंशियल जेड
अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक जेड माइनस वन से एक जेड माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आप पुट कर दीजिएगा वैल्यू, तो आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। और आपको पता है कि जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, टू पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू। एक का आया है वन, एक का आया है जीरो, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका टू पाई आई। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड आज की वीडियो में मैंने अराउंड 23 क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। जो 2 क्वेश्चन के आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा देने का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जो भी निडी स्टूडेंट है आप उनको ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो फिर जल्दी मैं आपको पार्ट 2 रिलीज कर दूंगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा इस समय बिजी हूं, लेकिन फिर भी आपका एग्जाम है तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो रिलीज कर रहा हूं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और हाँ, जो भी नीडी स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।